बैक टू योर लाइफ एज यू कैन सी मुबर। तो आज का हमारा न्यू ब्लॉग स्टार्ट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मुबर ओवर हियर। तो इतने दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरे फाइनल पेपर्स आ गए थे, उसके बाद रिजल्ट आया था, रिजल्ट आ भी चुका है, मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो गई, मैंने किताबें भी ले ली हैं अपनी सिक्स क्लास की। तो जो है ये सब मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो है क्या कहते हैं टाइम में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था व्लॉग बनाने का। मैं व्लॉग बना लेती थी लेकिन एंडिंग भूल जाती थी। तो आज पहला रमज़ान का रोज़ा है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब मुझ पे फ़र्ज़ है तो इसलिए आज मेरा रोज़ा भी है। और रमज़ान मुबारक आप सबको। तो अब रमज़ान का मैं सारा व्लॉग बनाऊँगी, जिस तरह मैंने पिछले साल में बुलेट था हमारे साथ, उसके साथ हमने पूरे रमज़ान का फ़र्स्ट डे ऑफ़ रमज़ान, सेकंड डे ऑफ़ रमज़ान ये हमने सब बनाया था। तो अब से हम लोग फिर से वो वाली रूटीन शुरू करेंगे, रमज़ान वाली रूटीन, ठीक है। तो इसमें मम्मा की शॉप की भी साथ साथ होगा क्योंकि अब हम लोग मम्मा की शॉप पे भी जाया करेंगे और उधर भी हम लोग ने सेल करना है, लेकिन आज मम्मा ने ही शुरू करनी तो इसलिए जो है क्या कहते हैं आज हम लोग घर में मम्मा के साथ इफ्तारी करेंगे। तो जो है आज घर में हमारी इफ्तारी होगी। अभी सुबह का टाइम क्या हो रहा है, 3:25। तो जो है यार हम लोग एक बात है, हम लोग भैरिया में रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे गैस बिल्कुल भी नहीं है। मतलब रमज़ान में लोगों को बनानी होती है ना अपने लिए चीज़ें, समोसे चीज़ें। अब आपके पास अगर गैस ना हो शाम के वक्त, आपके पास गैस बिल्कुल भी ना हो, तो आप सुबह के टाइम में भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को गैस तो प्रोवाइड करनी चाहिए, सबका वो होता है यार रोज़ा होता है, ऊपर से आप लोग किसी को प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हो, ज़रूरत होती है इंसान को, भैरिया है और बस क्या कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं भैरिया ये वो, भैरिया में गैस आती है, लाइट आती है, ये वो, पानी सब कोई इशू नहीं है, लेकिन भैरिया में गैस का भी इशू है, पानी का भी इशू है। पानी का तो नहीं है, ठीक है, पानी का तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसका जो है क्या कहते हैं गैस का बहुत है यार। अब तो सर्दियाँ गुजर चुकी हैं ना, तो अब तो आप गैस वो कर दो, मैं इसको ज़रा सेट करती हूँ। तो मैंने अब इसको सेट कर लिया। तो जो है मैंने यार सोचा कि हमारे इस्लाम में है कि लड़कियों को बिल्कुल भी अपने बाल नहीं दिखाने चाहिए, मतलब ये जो मेरे नज़र आ रहे हैं ना ये भी नहीं नज़र आने चाहिए। तो अब से मैंने सोचा है कि जो है हम लोग अब से अपना हर जगह पे, जिस जगह पे भी जा रही हूँ, मुझे अपना सर है जो हेड मेरा है मुझे इसको कवर करके रखना है, ठीक है। तो जो है मैं अब इसको हमेशा कवर करके रखूँगी, ठीक है, और मैं कभी भी किसी को अपने बाल नहीं दिखाऊंगी। अब यार अभी मैंने सेट किया था फिर ये हिल गया यार। अच्छा अभी इतना ठीक है, आप लोग ज़रा और ना करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी कि अब इस्लाम में है कि आपने बिल्कुल भी अपने बाल नहीं दिखाने, सर कवर करना है, हेड को अपने कवर रखना है। तो अब से मैंने सोचा कि मैं अपने बिल्कुल भी एक दिन का बाल कभी नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। और अब जो है क्योंकि कयामत बहुत करीब है, बहुत करीब है, कुछ दिनों पहले तौबा इतना ज़ोर का, कुछ दिनों पहले कि परसों ही हमारे इधर इतना ज़ोर का 7.7 का जिलजिला आया है, जिलजिला जो भी कहते हैं जब तक ही नहीं पता, जिलजिला आया है। और हम लोग ना मतलब मैं अपने इधर थी अपने रेस्टोरेंट पे, ठीक है, ये वाली जो बिल्डिंग थी ना हमारी, ये वाली जो बिल्डिंग है, ठीक है, ये ग्रे वाली जो पेंटेड नहीं है यार, एकदम से ये पूरी हिलने शुरू हो गई, मतलब इस तरह हिलने शुरू हो गई। मैं उधर बैठी हुई थी अपने चेयर पे मम्मा के रेस्टोरेंट पे, ठीक है, तो सारे शॉप के मालिक ना बाहर आके खड़े हो गए, नीचे से ऊपर से। अच्छा जो फ्लैट्स में रहते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं नीचे आए, ठीक है। अब जिलजिला बहुत ज़ोर का हो रहा। मेरी मम्मा जो है साथ वाले शॉप अंकल से बात करी थी बाहर खड़े होकर, मैं शॉप में थी, ठीक है, तो मेरे ना हाथ में काफ़ी दर्द हुआ था, पैर में भी क्योंकि मैं बहुत ज़ोर कर गई थी। तो उसके बाद ना मैं मतलब इस तरह होकर लेट गई और ये जो मोबाइल है ऊपर टेबल पर पड़ा हुआ था, ठीक है, तो उस पर ना एकदम से कोई मैसेज आया ट्रिंग। तो मैंने ना देखा ये क्या कौन सी आवाज़ है ना मैसेज की, मैंने जब देखा तो अर्थक्वेक इज़ नियर बाय, इस तरह का मैसेज आया। मैंने मम्मा को बोला मम्मा जिलजिला, जैसे ही वो बोला जिलजिला हल्का सा आने शुरू हो गया। मम्मा ने बोला चलो ठीक है ऐसे आता रहता है। जब वो एकदम से तेज़ होने लग गया पोल्स, ये जो हमारे लाइट्स के पोल्स हैं ना, ये इस तरह डांस करने शुरू हो गए पूरे, इस तरह हिल रहे थे, रख्त इस तरह हो रहे, और तो ज़मीन में थोड़े से क्रैक्स भी आ गए थे। तो हम लोग तो खड़े हो गए बाहर प्लाजे के रोड पे,
और हम बस ये देख रहे थे कि ये प्लाज्मा अगर हमारे ऊपर गिर गया, तो हम तो गए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद रुक गया था। और आफ्टर शॉक्स भी नहीं आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर शॉक्स बिल्कुल भी नहीं आए, लेकिन ये बहुत ज़ोर का था। अच्छा क्वेटा इधर विद क्वेटा में इतना ज़ोर का नहीं आया, क्वेटा में तो 5 कुछ का आया है, तो हमारे इधर काफ़ी तेज़ आया है और इंडिया में भी काफ़ी तेज़ आया है, तो बस अल्लाह खैर करे दोबारा ना आए। तो बस ये हमारी सारी कहानी है और मुझे आज बिल्कुल भी रोज़ा फील नहीं हो रहा, क्योंकि मैं वैसे भी रूटीन में कुछ भी नहीं खाती, तो जो है घर में तो काफ़ी चीज़ें आज इफ्तारी में शायद बन जाए। तो मम्मा ने उसके लिए रेस्टोरेंट के लिए आलू के समोसे मंगवाए थे, वो जो नहीं होते हैं पट्टी वाले जो होते हैं, वो जो ब्राउन कलर के जो मोटे से होते हैं, जो नीचे से इस तरह भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम खाते हैं और क्रिच क्रिच भी होता है, वो बड़े से जो होते हैं समोसे, वो मम्मा ने गुलरेज से लाई थी, ठीक है। तो वो शॉप पे भी चले जाएंगे, तो मैंने उसे एक फ्रीजर में रख दिया कि मैं खाऊंगी, कि आई एम अ लवर ऑफ आलू, लवर ऑफ आलू, बिग 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 लवर ऑफ आलू। तो जो है आलू के समोसे भी हैं, डेट्स भी हैं, मैंने भाई को बोला कि मैंगो टैंक ख़त्म हो गया, तो अभी वो सामने से चिकन लेने जाएगा, तो मैं उसके साथ जाऊँगी, उसके बिल्कुल साथ शॉप पर, मैं वहाँ से वो ले लूँगी मैंगो टैंक और वो चिकन ले लेगा। तो बस आज की बहुत बातें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं आपके साथ, मैंने अपनी ये जो ब्लॉगिंग नई की उसकी रूटीन भी शेयर कर दी है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अपने घर की तरफ। आपसे एक और बात भी करनी थी, मेरा एक टिकटॉक अकाउंट है, ठीक है, वो मैं बड़ों के मतलब कभी बहन के साथ बना लेती हूँ, कभी भाई के साथ, क्योंकि फिर टिकटॉक अकाउंट बैन हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं 11 ईयर्स की हूँ, ठीक है, उनको हो रहा है कि मैं 9, 8, 7 ईयर्स की हूँ, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल आपने मेरे चैनल को आपने फॉलो करना है, मुबरा 36 भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी 10 भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैंने चेक वाइट और रेड कलर का कोट पहना है, सीढ़ियों पे हूँ मैं, ठीक है, बैठी है सीढ़ियों पे, उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अगर आपके पास टिकटॉक नहीं भी है, अगर आपके पास टिकटॉक नहीं भी है तो आप उसको डाउनलोड करें फिर से और उस पर जाके मेरा फॉलो करें अकाउंट मुबरा 36, ठीक है। ये मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं करवा रही, ठीक है, लेकिन अगर आपने करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, ठीक है। तो अभी तो मम्मा का शायद मूड नहीं हो रहा रेस्टोरेंट पे जाने का, ठीक है, तो देखते हैं अब क्या है, हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और मेरा भाई ये बैग और तस्वीरें इसमें से निकाल के चला गया, जो कि अब मुझे डालनी है इसके अंदर वापस, ठीक है। ये काफ़ी प्यारा बैग है, मम्मा का है, मेरा नहीं है। और यार मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड उसके लिए हूँ, क्या कहते हैं, छोटी ईद के लिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री बैठी हुई थी और मेरे पास कुछ भी करने को नहीं था, तो अभी मैं यासीन का यहाँ पे PS4 पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे यासीन के PS4 की मम्मा, तो मैं यहाँ यासीन के PS4 की नीड्स फॉर स्पीड खेलूँगी, तो आपको भी दिखाऊँगी। मैंने आप लोगों से एक मतलब रिव्यू भी शेयर करना था, मैंने ना दराज से एक पेंसिल मंगवाई थी, मतलब फूड पेंसिल मंगवाई थी, ठीक है, खाने वाली नहीं, उसके ऊपर फूड की पिक्चर भी नहीं है, ठीक है, तो उसका मैंने रिव्यू शेयर करना है आप लोगों से। अच्छी पेंसिल है, लेकिन मैंने एक और बात भी आप लोगों से करनी है, आपको दिखाती हूँ मेरे हाथ में मैं दिखाती हूँ। तो गाइज मैंने पेंसिल मंगवाई थी, ठीक है, अब जो है दराज पे तो जिन लोगों ने मंगवाई थी उन लोगों को तो चार चार जो पिक्चर में दिखा था कि चार पेंसिल्स हैं साथ में फ्री इरेजर, ये वो, लोगों को तो वही मिला, लेकिन मुझे क्या मिला, मुझे सिर्फ मिली एक पेंसिल, मतलब सिर्फ एक पेंसिल मिली, मतलब फ्री इरेजर भी नहीं दिया। भाई मैं आपसे उन लोगों के रिव्यू शेयर करती हूँ, ये देखें लोगों को फ्री रेजर्स भी मिले, चार चार पेंसिल्स मिली हैं, मतलब और उधर ऑप्शन भी नहीं थी, उधर ना ऑप्शन भी नहीं थी कि आप को चार पेंसिल्स चाहिए, इतनी पेंसिल्स चाहिए, वरना मैं भी चार मंगवा लेती। और ये आई कितने की है, 240 रुपीज़ की आई है भाई, 80 रुपीज़ की मिल रही थी, उसमें डिलीवरी चार्जेस ये टैक्स वो टैक्स लगा के 240 बने। इससे बेहतर मैं इदरीस बुक पे जाके अपने लिए पेंसिल ना ले लेती। तो भाई अब दराज से तो मैं आइंदा कोई स्टेशनरी को मंगवाऊंगी नहीं। और ये देखें,
यहाँ से टूट भी रहा है, ये देखिए ये देखिए यहाँ से टूट भी रहा है, मैं इसका क्या करूँ। है तो पेंसिल तो सही है, निप शिप शार्प शार्प है ये, आप लोग देख सकते हैं इसका ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका ऊपर का पता नहीं, आई डोंट नो कि ये रेजर है ये वाला, क्योंकि कुछ जो पेंसिल इस तरह की होती है ना उनके इधर ही रेजर लगे होते हैं, लेकिन ये रबड़ है, लेकिन हम लोग इसका रेजर बना के यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग वापस इसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है, मुझे ना फ्री रेजर मिला है ना जो है मुझे वो हुआ है। और जो है मैं स्टेशनरी की लवर हूँ, मुझे स्टेशनरी इतनी कोई पसंद है, तो जब हम लोग अपने लिए बुक्स लेने गए थे मैंने वहाँ से अपने लिए नई स्टेशनरी ली, मैंने अपने लिए पेंस लिए, पेंसिल का नया बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था घर पे, मैंने पेंसिल कलर्स लिए, मैंने अपने लिए वो बॉल पॉइंटर लिया, मैंने अपने लिए जेल पेंस लिए, नहीं जेल पेन मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैं मम्मा के साथ इम्तियाज़ गई थी, तो मैंने मम्मा के उधर से दो स्माइली फेसेस वाले मैंने इरेजर्स लिए और एक पेंसिल हो गई। मेरे पास बहुत स्टेशनरी है, मतलब शार्पनर भी मेरे पास नहीं है, नया है शार्पनर जो मेरे पास है वो भी नया है, तो मेरे पास सारी स्टेशनरी नहीं है। और आज आप लोग भी देखना कि इफ्तारी में क्या क्या होगा। यहाँ पे अंधेरा बस हो रहा है, बस 6 बजेंगे तो फिर इफ्तारी बनाना, मेरी बड़ी बहन बना रही है, मेरी बड़ी बहन तो इफ्तारी बना रही है, ठीक है। तो मम्मा सोच रही है कि मम्मा डेट्स जो होती है ना, मतलब जो खजूरें होती हैं उसके अंदर बीच में स्पेस करके उसकी जो हड्डी होती है वो निकाल के उसके अंदर बादाम और क्रीम करके, तो वो मम्मा सोच रही है बनाने का, वो तो मुझे भी आता है बनाना। और आज या कल शायद हम लोग जाके फ्रूट लें, क्योंकि फ्रूट चाट बहुत ज़रूरी होती है रोज़े में, मतलब इफ्तारी बोथ, ठीक है। तो जो है बस अब जब अजान होती है और इफ्तारी बनती है तो हम आपको दिखाते हैं। के साथ मैंने एक प्रैंक भी कर दिया है, ठीक है। ये जो इंट्रो मेरा था ये फर्स्ट रोजे का था, और इंट्रो के बाद के सारे क्लिप्स हैं वो आज सेकंड रोज़ है, तो उसके मैंने डाले हैं, ठीक है। तो मतलब ये फर्स्ट और सेकंड रोज़े का मैं व्लॉग डाल रही हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड रोज़ा ऑफ रमज़ान, ठीक है। तो टाइटल इसका यही होगा, ठीक है। हाँ, आपने देख ही लिया होगा कि मैंने टाइटल यही रखा है, ठीक है। तो जो है बस सब इफ्तारियाँ बन रही हैं और आपको दिखाते हैं, बल्कि अभी किचन में मम्मा डेट्स बना रही हैं। मम्मा आए देखते हैं, मम्मा को जाके कैप्चर करते हैं कि मम्मा आप क्या कर रही हैं, मम्मा के डेट्स पे कैप्चर करते हैं कि मम्मा कैसे डेट्स बनाती हैं, ठीक है, डेट्स। और यहाँ पे अभी मम्मा आप क्या बना रही हैं, फिलिंग वाले खजूर। ओके, ये आप लोग देख लें। आई हैव मैनी आइडियाज बट यू गाइज लाइक ओनली क्रीम वाले, तो मैं क्रीम और बादाम के साथ बनाऊंगी। वैसे कभी कभार मम्मा क्रीम के बीच में कभी हम डालते हैं न्यूटेला चॉकलेट हो गया, पीनट बटर हो गया। अच्छा है, तो काजू है, बादाम का है, बादाम यहाँ पे पड़े हुए थे ना, तो आपको ये रेसिपी आज मम्मा बताएंगी। अच्छा, इसके बीच में हमने काट के वो हड्डी निकाल के बस जो आपने क्रीम डालना हो, पीनट बटर डालना हो, वो करके ऊपर बादाम रख देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रेस करके और में, तो ये मम्मा ने क्रीम वाला बना दिया है क्योंकि बादाम, हाँ क्योंकि बादाम ख़त्म हो गए, ठीक है। तो इसलिए मम्मा ने अब सिंपल क्रीम वाला बना दिए हैं, अब देखते हैं है कि नहीं बना, नहीं है बादाम, मैंने देख लिया है बाहर उधर तो नहीं। तो गाइस मम्मा कह रही हैं कि उधर जो ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं हमारे, ड्राई फ्रूट्स जो ये वाले पड़े हैं सारे हैं कि पड़े हैं कि नहीं बादाम। मैंने ही फिलिंग की थी सबकी, तो आई डोंट गेस के यहाँ पे बादाम नहीं है। मम्मा यहाँ पे बादाम नहीं है, यहाँ पे बादाम नहीं है, बस आप सिंपल क्रीम वाले बना दें। मैंने तो खानी थी खजूर, मैं नहीं खाऊंगी खजूर, जामुन शीनी से काम चला लेंगे, जामुन शीनी। हमारी फ्रूट चाट आ गई, यहाँ पे हमारी इमली की चटनी आ गई, प्लेटें शेटे रख दी हैं। मम्मा टैंक बना,
जहाँ यहाँ पे टैंक पीऊँगी, ठीक है। तो मैं अपने लिए कल ये साशे ले आई थी, दो 20-20 रुपीस के, ठीक है। तो ये अब एक हम लोग आधा इसके अंदर डालते हैं और अपना टैंक बनाते हैं। पूरे आ गए हैं और हम अपने टैंक की तरफ चलते हैं। आलू के समोसे और ये वाले समोसे भाई साहब। और ये मैं अभी वो रोल भी बन रहे हैं और पकौड़े भी बन रहे हैं। अभी डोनट्स भी बनेंगे, ये वाले रोल बन गए। हम लोग गेट से जरा थोड़ा बाहर जाते हैं। मौसम तो बड़ा अच्छा हो रहा है, मौसम ये देखे जी। और मैंने ना कल यहाँ की सारी सफाई करवानी है, बाकी हमारा लॉन हमारा धनिया पुदीना उग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वापस चले जाते हैं। और ये दुआ हमेशा हम पढ़ना चाहिए, हमेशा हमें पढ़ना चाहिए। ये भी और ये भी मम्मा ने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये अल्लाह का नाम लगाया हुआ है मम्मा ने। अच्छा मैंने अल्लाह का नाम और ये दुआ लगाई है माशाल्लाह से अभी तक, ये शुक्र लगा हुआ है, कोई टूटा शूटा नहीं है। क्योंकि कुछ दिनों पहले क्या 300 या 400 पता नहीं, मैंने इंट्रो में बताया भी है, जलसला जो आया से शुक्र है कोई चीज़ हमारे घर की नहीं टूटी, तो सही है। अभी भी मैंने बंद किया ताकि मुझे अजान की आवाज़ आए, लेकिन अभी तक 6 ही नहीं बजे। अभी तक देखें अब 6 बज गए, लेकिन अजान में भी बहुत देर है, तो वेट करते हैं। तो गाइस हमारे जो है इफ्तारी हो चुकी है हमारी। और बस यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगी और सहरी से हम लोग अपना नया ब्लॉग शुरू करेंगे और इफ्तारी पे ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।